कांकेर के मध्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की हालत बद से बदतर हो चुकी है, जिस पर लगातार सामाजिक संस्थाएं और राजनीतिक दल से आम जनता भी प्रदर्शन की राह पर चलने को मजबूर है। ऐसे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए स्थानीय विधायक शिशुपाल सोरी ने भी मोर्चा खोल दिया है और सड़क पर उतर आए हैं। दरअसल इस सड़क पर कई स्थानों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण वाहनों के सड़क से गुजरने के दौरान भारी मात्रा में धूल के गुबार उड़ने लगते हैं। इसे जल्द समाधान के लिए विधायक शिशुपाल सोरी ने साप्ताहिक अभियान के तहत मुख्य सड़क की साफ सफाई और श्रमदान के जरिए गड्ढों को भरकर सड़क मरम्मत करने का अभियान चलाया है और साथ ही आम जनता से अपेक्षा करते हुए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए मरम्मत करने की अपील की है। जो काशी बीचों बीच गुजरती है उसकी मरम्मत तत्काल हो जाता है और उधर का ड्राइवर था वो बहुत जल्दी करने वाले हैं, किंतु अभी बारिश में इतना ज़्यादा खराब हो गया है कि वो तत्काल वाईफाई तौर पर। और ज्यादा बातचीत के लिए सुशील सलाम कांकेर से सौरा संवाददाता जुड़ चुके हैं। हम बात करते हैं सुशील, यदि हम बात करें जिस तरह से विधायक मैदान में आ गए जर्जर सड़कों को देखते हुए, क्या लगता है कि विधायक को इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि लगातार दिनों कांकेर शहर में खासकर सड़क को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जैसे भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे स्थानीय यहाँ के जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को लेकर लगातार सड़क में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई पौधे लगा रहे हैं तो कोई गड्ढे से पाट रहे हैं। यहाँ देखा जा रहा है उसी क्रम में कांकेर विधायक शिशुपाल सोरी जी ने उन्हें भी अपने साप्ताहिक श्रमदान के तहत उन्होंने सड़क पर उतरी और सड़क में हुए गड्ढों को काटा गया है। जहाँ तक मानी जाए कांग्रेस के ही विधायक हैं और कांग्रेस के ही सत्ता में बैठे हुए हैं, यहाँ कहीं ना कहीं यह सवाल खड़े करता है कि इनकी भी विधायकों की भी यह सुनी नहीं जाती, जिसके चलते इस सड़क की मरम्मत कार्य नहीं की जा रही है। लेकिन सुशील, जिस तरह हम बात करें कि सड़क का मरम्मत कार्य नहीं किया जा रहा है और आप बात करें शिशुपाल विधायक जो है, क्या शिशुपाल जो विधायक है उन्होंने श्रमदान किया है? अच्छी पहले मानते हैं, लेकिन क्या इसकी लड़ाई सरकार से लड़नी चाहिए थी उनको? क्या इसका विरोध करना चाहिए था कि जिस तरह सड़क खराब हो रही है, क्या लगता है कि सुशील जिस तरह हम बात करें विधायक शिशुपाल की, क्या ये पूरे कांकेर की सड़क का इसी तरह बीड़ा उठाएंगे? बिल्कुल, शिशुपाल सोरी जो कि कांग्रेस के विधायक हैं और यहाँ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इससे यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन विधायकों की यहाँ सरकार सुनी नहीं जा रही है, जिसके चलते विधायक को सड़क पर आना पड़ रहा है और सड़क में जो गड्ढे हैं उन्हें पाटा जा रहा है। चलो हमारे बीच यासीन जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस पार्षद है, उनसे बातचीत करते हैं। यासीन जी, आपको स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। यासीन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रहा है। यासीन जी, साप्ताहिक अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया जा रहा है, शिशुपाल जी विधायक है उनके द्वारा, क्या लगता है कि ये बात लोगों की जो श्रमदान किया जा रहा है उससे ज्यादा अगर सरकार के नुमाइंदे इस पर गौर करते तो ज्यादा बेहतर होता, या ये तरीका ज्यादा बेहतर लग रहा है आपको? हेलो जी यासीन जी। हाँ जी जी, मेरा सवाल यही है कि जिस तरह श्रमदान का ये तरीका जो अपनाया जा रहा है, सभी लोग अभियान के तहत काम कर रहे हैं, इस अभियान की पहल की जाए अच्छी बात है, लेकिन क्या लगता है सरकार के जो विभाग है, जिस विभाग के अंदर सड़क आती है उसे काम करना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर रहता है, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है आपको? नहीं, अभी काम ठीक है जी, विधायक महोदय के साथ जो हम लोग श्रमदान जो कर रहे हैं, जगह जगह घटे हो गई जी जी, तो ये काम जो है अभी क्या हम लोग भी कर रहे हैं, अगर अभी बारिश में हम अगर उसका अगर रोड को मरम्मत करते हैं, स्टारिंग करते हैं जी, तो बारिश में फिर उखड़ जाएगा जी। यहाँ से जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो जा रही है जी, गाड़ी जब तक रिंग रोड नहीं बनेगा तब तक यही हार रहेगा इस रोड का जी। तो यासीन जी, एक बात बताइए, यदि मान लीजिए ये सभी से श्रमदान करा रहे हैं, तो फिर विभाग का जो इतना सारा जो पैसा लगा है, सरकार का, जनता का पैसा लगा है इसमें, तो यानी कि वो मिट्टी में चला गया। और दूसरी बात, जिस तरह का काम किया जा रहा है, श्रमदान किया जा रहा है, इस पर तो सरकार को सवाल खड़े करने चाहिए, सरकार पर सवाल खड़े करने चाहिए कि जिस तरह की सड़क बनाई गई है वो गड्ढों में तब्दील हो गई है। हाँ, तो है ना, इसके लिए अभी जो आपका जो टेंडर लग गया, वर्क ऑर्डर ठेकेदार को मिल गया है जी, है ना, और दूसरा ये 2 अक्टूबर को आप इसका 35 लाख का टेंडर लगा हुआ है जी, 2 अक्टूबर से काम चालू हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं 2 अक्टूबर से काम चालू हो जाएगा,
क्या लगता है कि आप जैसे श्रमदान कर रहे हैं, शिशुपाल जी और आप सब मिलकर श्रमदान कर रहे हैं, तो क्या कांकेर का एक स्थान तय है या पूरे कांकेर की सड़कें आप इस मरम्मत में लगे हुए हैं आप लोग? पहले मेन रोड का कर रहे हैं ना जी? जी, क्योंकि हमें ये भी पता चला है कि मेन रोड के अलावा कई ऐसी जगह है कांकेर की जहां पर आज भी मूलभूत सुविधा नहीं है, वो भी सड़क की वजह से, जहां पर सिर्फ पगडंडियां हैं और सड़क कीचड़ में तब्दील है, तो वहां कभी नजर गई शिशुपाल जी की? नहीं नहीं, वो क्या है कांकेर वार्डो में सिटी रोड है, कहीं कहीं रोड खराब है जी, इसका भी रोड का मरम्मत हो जाएगा बहुत जल्द बारिश के बाद। चलिए अश्विन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ सुशील सलाम जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।